देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज एक ऐसा विषय जिस पर गहनता से सोचने और समझने की जरूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पर्यावरण की। अगर पर्यावरण रहेगा तो ही हम सुरक्षित रह पाएंगे, लेकिन आज के इस वक्त में देखा जाता है कि लोग सिर्फ पर्यावरण के नाम पर दिखावा करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया, लाखों पेड़ पौधे लगाने के दावे किए, हालांकि लगाए भी, लेकिन ऐसा सिर्फ बरसाती मौसम में या फिर ऐसे कुछ दिवस पर लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनकी देखरेख नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा पर्यावरण है वो नष्ट हो रहा है। दावे किए जाते हैं लेकिन उनकी देखरेख नहीं की जाती है। अब इस महामारी के दौर में कितने लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से अपनी जान गंवानी पड़ी, सिर्फ उसका यही कारण था कि हमने हमारे सारे पेड़ पौधे काट दिए। अगर हम अपने पेड़ पौधों को बचा पाते तो कहीं ना कहीं जो इतनी जाने गई हैं इस महामारी के दौर में ना जाती। इसी विषय पर हम कुछ जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनसे जानेंगे कि क्या जिस तरीके से सिर्फ पेड़ पौधे लगाने के दावे किए जाते हैं या फिर उनकी देख रेख नहीं की जाती है, कहाँ तक ये ठीक है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से आज के इस वक्त में लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज़ में इसका उपयोग किया जा रहा है, या यूँ कहें कि जिस तरीके से इस महामारी के दौर में इतनी मौतें हुई, कहीं ना कहीं दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में इतनी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। अगर हम PNG गैस का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण भी सेफ रहेगा और ऑक्सीजन भी हमारी सेफ रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ पर्यावरण प्रेमियों से, जानते हैं कि कहां तक जो ये बात की जा रही है अंतिम संस्कार में लकड़ियों के इस्तेमाल की बजाय PNG गैस का इस्तेमाल करें। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया था, काफी जो संस्थाएं हैं या सरकार ही लगा लीजिए, ये नारे दिए गए कि पेड़ पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ टाइम के लिए बातें रह जाती है, लेकिन बाद में वो सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में भी बहुत ज्यादा जो अभी भी लोगों को किल्लत झेलनी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे की तरफ ध्यान दिया और इसके ऊपर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं। अदरवाइज तो लोग खाली पर्यावरण वाले दिवस वाले दिन फोटो खींचते हैं, पिक अपलोड कर देते हैं फेसबुक पे, उस पर कुछ लाइक आ जाते हैं और बस हो गया। उनके लिए पर्यावरण दिवस का यही मीनिंग है, अदरवाइज उनके लिए उसका कोई खास वो नहीं है। असलियत में पर्यावरण का मीनिंग अगर आपको पूछना है तो आप शेरावली ट्रस्ट पर जाके देखो, उन्होंने 5 वन जो है डेवलप किए हैं, और जितने भी जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ के नीचे कुछ इस मौसम में जब बारिश हो जाती है तो उसके जो बीज निकलते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। इन लोगों ने, हमने, हमारी टीम ने इस चीज़ को, उस सारे अंकुरित बीजों को एक नर्सरी में किया है, उसको थोड़ा सा जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको अलग अलग वन क्षेत्र में उन्हें डेवलप करेंगे ताकि उनको, और उसके खाली ये नहीं है कि वो लगा के फोटो खिंचवा के हमने डाल दिए। आप जाके देखोगे तो अपना एक हमने टैंकर खरीदा हुआ है, एक ट्रैक्टर है, और उससे हम लोग इनको पौधों को निरंतर पानी देते हैं, टाइम टू टाइम खाद पानी, उसके लिए कुछ हमने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, माली वगैरह, वो टाइम टू टाइम जाते हैं और उन्हें वो करते हैं। तो पर्यावरण का असली मीनिंग ये है कि जो आप पेड़ लगा रहे हो वो पेड़ सस्टेन भी करने चाहिए। आपने पेड़ लगा दिए 10 करोड़ और 10,000 पेड़ भी आपके सस्टेन नहीं करते, और आप 10 करोड़ पेड़ लगा रहे हो उसके बदले में पेड़ इतना छोटा सा लगा रहे हो और काट इतने बड़े बड़े पेड़ों को रहे हो, और फिर वो सस्टेन भी नहीं करते। आपके एक पेड़ को बहुत बड़ा होने में 100-100 साल लग जाते हैं और आप यूँ काट देते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बड़े पेड़ है कोशिश ये करनी चाहिए कि उन्हें बचाना चाहिए हमें, काटने की बजाय उसके ऑल्टरनेट ढूंढने चाहिए। और दूसरे कंट्री है जो इसके बारे में अवेयर है, वो लोग ऐसे ही करते हैं, रोड के बीच में भी आ जाता है पेड़ फिर भी नहीं काटते, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है कि बस पेड़ काटो और जंगलों को ख़त्म करो और रोड बनाओ और बिल्डिंग बनाओ। इस बारे में मेरी राय यह है, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया क्योंकि ये भी आजकल बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इसमें सबसे बड़ी परेशानी गवर्नमेंट को और संस्थाओं को सबसे बड़ी यही परेशानी आती है इन लोगों को, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब जैसे हमारे हिंदू धर्म है उसमें दाह संस्कार का यह है कि भाई वो लकड़ियों से किया जाना चाहिए और उसमें सामग्री होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ जब शुरू हुई थी तब जंगल बहुत ज़्यादा थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी, इंसान के पास लकड़ियों का भरमार था तो वो लकड़ियाँ यूज़ कर सकता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब हमें लकड़ियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप कि आप अपना इसी ऑफिस में देखो, आप चौखट में किस हर चीज़ में लकड़ी की ज़रूरत है, तो लकड़ी का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो भी चीज़ एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है
उसका ऑल्टरनेट ढूंढ के, अब पीएनजी का ये सबसे अच्छा मुद्दा है, मैं उपलो वाला जो मुद्दा है उस पर भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो भी पॉल्यूशन करते हैं और उपले में बनाने में उसको मैन्युफैक्चर करने में बड़ी वो लगता है। तो इससे बढ़िया ये है कि सब पीएनजी वाला जो इशू है ये सबसे बेस्ट है, अब इसे इम्प्लीमेंट करो, गवर्नमेंट को करना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों में जागरूकता इसके बारे में फैलानी चाहिए, ताकि लोग अपने पुराने उनको रीति रिवाजों को छोड़ के और उनमें कुछ थोड़ा सा बदलाव लाए। 5 जून को हमारा पर्यावरण दिन था, बहुत बहुत ये मेरे हार्ट के करीब, मेरे दिल के करीब है और बाकी भी हमारे भारतवासियों के दिल के करीब है ये दिन, इसलिए बहुत लोगों ने पेड़ लगाए। और लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कहना कि पेड़ ही सिर्फ लगाना उसका सलूशन नहीं है पर्यावरण को बचाने के लिए, हमें उसको कब लगाना और कैसे लगाना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जून का महीना काफ़ी गर्म होता है, तो इस महीने थोड़ा इस साल बेटर रहा है मौसम, लेकिन हर साल काफ़ी गर्मी रहती है और ये महीना कुछ ही पेड़ों के लिए ठीक होता होगा, बाकी सारे पेड़ों के लिए जुलाई बारिश का महीना जो होता है वो ही ठीक रहता है लगाने के लिए हमें। लेकिन जून में जिसमें ये पेड़ लगाने हैं वो पिट्स की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, उन पिट्स में खाद डालें, खोदें, खाद डालें और उसमें पानी वगैरह दें, ताकि उसकी तैयारी जुलाई तक हो जाए, जब हम पेड़ लगाएं उसमें जुलाई में, तब वो बहुत जल्दी जड़ पकड़ें और हरे भरे रहें। और लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है, अगर जुलाई में भी बाय चांस बारिश कम हो तो पानी देने का दायित्व हमारा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम पूरा अपना ध्यान रख के पेड़ लगाएं, सिर्फ लगाने के लिए ना लगाएं। दूसरा एक और है कि ये हमारे जो पेड़ इतने सारे कट रहे हैं आज इंडिया में, उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे जो हम घर बनाते हैं उसके लिए बहुत सारी लकड़ चाहिए, वो लकड़ जो हम पेड़ों की काटते हैं उसके बजाय आजकल मार्केट में MDF जो है वो आप वो लगा यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल्ड प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स आए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, पेपरलेस वर्क बहुत सारा ऑफिसेज में हो रहा है कागज़ की जगह, सो कागज़ खाली वहीं यूज़ करें जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और यूज़ करना और वेस्ट करने में बहुत अंतर है, सो कागज़ वेस्ट बिल्कुल ना करें क्योंकि ये भी पेड़ों से ही आते हैं। फिर जो हम क्रेमेटोरियम्स में जाते हैं और लकड़ यूज़ करते हैं उसकी जगह आजकल इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हैं, जहाँ पे सुविधा है वहाँ पे यूज़ करें, CNG यूज़ करें, लकड़ का कम से कम यूज़ करें, उससे प्रदूषण से भी हम बचते हैं। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, अगर हम आधे लोग भी प्रण लें कि हर साल हम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे और उसकी देखभाल खुद करेंगे, तो हमारा पर्यावरण हरा भरा हो जाएगा और आप देखना यही इंडिया की शक्ल ही बदल जाएगी। मैं आपसे सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रण लीजिए कि एक पेड़ हम हर एक आदमी जो ये सुन रहा है एटलीस्ट वीडियो ज़रूर लगाएगा और अडॉप्ट करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।